रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 3.2 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नामलूम की कीमत के लिए मदरजा जेल बयानात दुरुस्त है। बच्चों हमने नामलूम की कीमत मालूम करनी है, और उसने जोज नंबर 1 दे दिया, जोज नंबर 2 दे दिया, जोज नंबर 3 दे दिया, जोज नंबर 4 दे दिया। अब नामलूम क्या हो सकता है बच्चों इसके अंदर? एल हो सकता है। हमने इसका मतलब इसके अंदर एल की कीमत मालूम करनी है, और इसके अंदर नामलूम क्या हो सकता है? ए की हमें कीमत का ही नहीं पता, इसका मतलब क्या? ये नामलूम है तो ए की कीमत मालूम करनी है। तो इस वैल्यू के अंदर एन है नामलूम, और इस वैल्यू के अंदर नामलूम पी है। हमने इनकी क्या मालूम करनी है? कीमतें। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये रूल समझ लेना है। बच्चों ये लॉग फॉर्म है, जब लॉग फॉर्म को हम लेके जाएंगे कुव्वत नमाई शक्ल में। बच्चों किस में लिखेंगे? कुव्वत नमाई शक्ल में। बच्चों ये जो उनसी लॉग की बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, इसकी जाके बेस हो जाएगी। बच्चों जो उनसी ये लॉग की बेस है, वो ये जाके दूसरी तरफ हम इसको इस तरह लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास लॉग फॉर्म है, और ये हमारे पास कुव्वत नमाई शक्ल में हमने किस तरह लिखनी है? तो बच्चों ये लॉग की जो उनसी बेस है ना, वो जाके इस नंबर की क्या हो जाएगी? बेस। तो ये पावर में चला जाएगा एक्स, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? वाई। तो बच्चों ये कौन सी शक्ल है? कुव्वत नमाई। तो बच्चों हमने ये रूल इस्तेमाल करते हुए नामलूम की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों मैं जोज नंबर 1 ले लूँगा, तो मेरे पास क्या है? लॉग बेस क्या है? 381 इज इक्वल टू एल। तो बच्चों ये हमारे पास लॉग फॉर्म है, हमने किसके अंदर लिखना है? कुव्वत नमाई शक्ल में, कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से। बच्चों किस में लिखना है? कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से। बच्चों कैसे लिखेंगे? ये जो उनसी लॉग की बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा? 81 लॉग खत्म हो जाएगा। बच्चों ये लॉग की जो उनसी बेस है, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, एल ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों हमने ये किस में तब्दील कर दिया? कुव्वत नमाई शक्ल में। तो बच्चों मैं फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ, जो उनसी ये लॉग की बेस है, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, और ये एल पावर में चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 81। तो बच्चों ये किस में तब्दील हो गया? कुव्वत नमाई शक्ल में। तो बच्चों मैं इस 81 के मैं क्या बनाऊंगा? फैक्टर, क्योंकि मैंने एल की कीमत निकालनी है। तो बच्चों मैं क्या लिख दूंगा? 3 की पावर 4, क्योंकि बच्चों ये 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको, तो ये 3 की पावर L। बच्चों अगर दो दो रकमों के दरमियान में मसावी आ जाए, इसका मतलब क्या? ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या होती हैं? बराबर। तो बराबर हैं, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, बेस बेस के साथ कैंसिल, 4 इज़ इक्वल टू L आ गया। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है? फाइनल आंसर। ये था मेरे पास जोज नंबर 1 का आंसर। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर बच्चों मेरे पास 2 है, लॉग बेस ए है, 6 इज़ इक्वल टू 0.5। तो बच्चों ये मेरे पास लॉग फॉर्म है, मैंने लेके जाना है कुव्वत नमाई शक्ल में। तो कैसे लेके जाएंगे? बच्चों ये जो सी इस लॉग कुव्वत, यहाँ पर लिखेंगे कुव्वत नमाई शक्ल, कुव्वत नमाई शक्ल। बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा? 6, लॉग खत्म हो जाएगा, ए और 0.5, और 0.5 आ जाएगा। बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है ए, ये जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, ये चले जाएगी पावर के अंदर, कुव्वत नमा बन जाएगी। तो बच्चों लॉग क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो बच्चों ये मेरे पास 6 इसी तरह आ गया, इज इक्वल टू ये ए आ गया। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। बच्चों जब इस अशारिये को ख़त्म करेंगे तो 1/2 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ए का जज़र, 1/2 का मतलब क्या है? जज़र। तो जज़र ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तरफैन का मरबा लेने से। तो बच्चों इस तरह भी मरबा ले लेंगे, और इस तरह भी मरबा ले लेंगे, मरबा जजर कैंसल, ए इज इक्वल टू कितना आ गया?
छः का स्क्वायर कितना आ जाएगा, छः छः 36, तो ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 36 के बराबर। ये था बच्चों जोज नंबर टू। इसी तरह बच्चों जोज नंबर थ्री करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास थ्री है, हमारे पास लॉग बेस कितनी है, 5n = 2। तो बच्चों ये हमारे पास लॉग फॉर्म है, हमने इसको लिखना है कुव्वत नमाई शक्ल। किसमें लिखेंगे, कुव्वत नमाई शक्ल में। कैसे बनेगी कुव्वत नमाई शक्ल बच्चों, ये लॉग के साथ वाली जो उनकी बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, एन, ये 5 की पावर 2 होगी, 5 की पावर है 2। बच्चों ये जो उनकी इस लॉग की बेस है, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, ये 2 कुव्वत नमा में चला जाएगा पावर के अंदर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एन, लॉग ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। तो बच्चों ये एन इसी तरह आ गया। अब 5 का स्क्वायर होता है 5 ज़रबे 5, तो 5 5 25, तो मेरे पास एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 25 के बराबर। ये था बच्चों जोज नंबर थ्री। इसी तरह बच्चों जोज नंबर फोर करेंगे। जोज नंबर क्या बच्चों, मेरे पास 4 है, मेरे पास 10 की पावर p = 40। बच्चों मैंने पी की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों पहले तो इसके साथ लॉग नहीं है, हम क्या करेंगे, तरफैन का लॉग ले लेंगे। तरफैन का लॉग लेने से बच्चों लॉग, क्योंकि लॉग नहीं है हमारे पास, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग, इस तरफ भी लॉग ले लेंगे और इस तरफ भी लॉग ले लेंगे। बच्चों हम दोनों तरफ लॉग लगा दिया। तो बच्चों हमें एक प्रॉपर्टी हमने की हुई है, अगर इस नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो लॉग क्या करेगा, पावर शुरू में ले जाएगा। बच्चों ये लॉग के ऊपर, लॉग की इस वैल्यू के ऊपर, अगर लॉग के इस नंबर के ऊपर पावर आ जाए, लॉग क्या करेगा, पावर शुरू में ले आएगा। या इस तरह पढ़ लें, ये लॉग की असल में ये भी बेस है, अगर ये लॉग की बेस के ऊपर पावर आ जाए, लॉग क्या करेगा, पावर शुरू में ले आएगा। ये बच्चों इसका रूल है हमारे पास। बच्चों ये हमारे पास एक रूल होता है, इसका कानून है लॉग का, अगर लॉग के ऊपर पावर, लॉग की बेस के ऊपर पावर आ जाए, लॉग पावर क्या करेगा, शुरू में ले आएगा। बच्चों मैंने ये रूल लगा दिया, इसके ऊपर कानून लगा दिया, ये लॉग की बेस के ऊपर पावर, लॉग पावर शुरू में ले आएगा। तो मेरे पास आ गया लॉग 40। तो बच्चों ये पी इसी तरह आ गया। अब लॉग 10 की कीमत मालूम कर लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों मेरे पास लॉग, पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे फिर 10, तो बच्चों मेरे पास कीमत आ जाएगी 1 = लॉग 40 की कीमत। तो बच्चों लॉग का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे फिर 40 फिर इक्वल का बटन, तो मेरे पास आ जाएगा 1.6020। तो बच्चों ये मेरे पास पी की कीमत आ गई, पी इज इक्वल टू 1.6020। तो बच्चे ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर टू, जोज नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीमत मालूम करनी है बच्चों ने। बच्चों ये सवाल नंबर हमारे पास 5 है और इसका जोज नंबर 1 और जोज नंबर 2 दे दिया। तो बच्चों हमने इसकी क्या मालूम करनी है, कीमत। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को हमने किसके बराबर लेट कर लेना है, एक्स के बराबर। बच्चों क्या करेंगे, हमने इसकी कीमत मालूम करनी है और इसको किसके बराबर फ़र्ज कर लेंगे, एक्स के बराबर। आप इस तरह फ़र्ज कर लें, इस नंबर को उठा के एक्स के बराबर आपने फ़र्ज कर लेना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये लॉग फॉर्म है, हमने किस में लिखना है, कुव्वत नमाई शक्ल में, कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है हमने।
तो कैसे लिखेंगे बच्चों? ये जो सी लॉग की बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। ये 128 इज इक्वल टू ये 2 की पावर x हो जाएगा बच्चों। ये जो सी लॉग की बेस है वो जाके इस नंबर की क्या हो जाएगी? बेस। और ये x पावर में चला जाएगा। ये कौन सी शक्ल है? कुव्वत नमाई। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया। बच्चों मैं इसको 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुनी 32 32 दुना 64 64 दुना 128। तो बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 7, बच्चों मैं ये 1 इसी तरह आ गया। मैं 128 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x 2 की पावर x आ गई। बच्चों ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जोज नंबर 1 और जोज नंबर 2 ले लिया। तो बच्चों हमने इसकी क्या मालूम करनी है? कीमत। तो इस नंबर को हमने, इस लॉग को हमने x के बराबर फर्ज कर लेना है। अब हमने लिखना है कुव्वत नमाई शक्ल में। कैसे लिखेंगे कुव्वत नमाई शक्ल? ये जो उनसी लॉग की बेस है ना, जो उनसी ये 2, ये जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी और ये नंबर इसी तरह और मसावी, हमारे पास लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों ये 128 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर, ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव की। और ये 2 की पावर x। तो बच्चों ये बेस क्या होगी? सेम, इस तरफ भी 2 है बेस, इस तरफ भी 2 है बेस, बेस बेस के साथ कैंसल, -7 आ गया x का आंसर। तो बच्चों ये हमारे पास जोज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 2 है हमारे पास, हमें दे दिया उसने लॉग। बेस कितनी हमारे पास? बच्चों बेस हमने यहाँ पर लिखनी है 2 × 2 का जजर और 512 का लॉग लेना है हमने। तो बच्चों ये असल में सवाल हमारा इस तरह बनता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हमने इसकी कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या कर लेंगे? इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। लॉग बेस कितनी? 2 × 2 का जजर और 512। तो बच्चों इक्वल टू किसके बराबर लेट कर लेंगे? एक्स के बराबर। तो बच्चों ये हमारी लॉग फॉर्म है, हमने इसको किस में लिखना है? कुव्वत नमाई शक्ल में। कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से बच्चों ये जो इस लॉग की बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। 2 × 2 का बच्चों जो इस लॉग की बेस है वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा 512 = 2 × 2 का जजर, ऊपर पावर हमारे पास x बन गई। तो बच्चों ये किस में चला गया? कुव्वत नमाई शक्ल में। कैसे तब्दील करेंगे कुव्वत नमाई शक्ल में? बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है वो जाके इस नंबर की क्या बन जाएगी? बेस। और ये नंबर पावर बन जाएगा। तो ये हमारे पास 512 इसी तरह आ गया। बच्चों मैंने ये कुव्वत नमाई शक्ल में लिख लिया, तो मैं 512 की जब तजी करूँगा 2 के टेबल पर, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 256। इसी तरह बच्चों फिर 2 के टेबल पे करेंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास 128। फिर 2 के टेबल पे करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 32 आ जाएगा। फिर करेंगे 16। फिर बच्चों 2 के टेबल पे करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे करेंगे इसकी तजी तो हमारे पास आ जाएगी 4। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2। फिर 2 के टेबल पे करेंगे तो 1। तो बच्चों में 512 की मैंने क्या करनी है? तजी, क्योंकि मैंने बेस 2 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 की पावर 9। तो बच्चों ये 2 की पावर 1 है और इस 2 की पावर क्या है? 1/2। ऊपर मेरे पास क्या आ गया? एक्स। तो ये मेरे पास 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये बेस क्या होगी? सेम। जरब के अंदर अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? जमा। तो पावर 1 प्लस कर देंगे 1/2, तो ऊपर हमारे पास x इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये 2 की पावर 9 इसी तरह हमारे पास ये 2 आ गया। जब इसका एलसीएम लेंगे प्लस 1/2, इसका एलसीएम कितना बन गया? 2। 2 1 के साथ ज़रब, 2 2 के साथ कैंसिल 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/2। बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3/2। बच्चों जब इसका एलसीएम लेंगे ना आप जुआ जाफकल, तो आपको 3/2 आएगा, तो ऊपर हमारे पास x आ गया। तो बच्चों बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं? ज़रब। बच्चों मैं इसको रेज करने लगा हूँ, तो बच्चों आप लोगों को पता है ये 2 की पावर 9 है इज इक्वल टू, तो बच्चों ये बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं? ज़रब, ज़रब होगी।
3/2 को एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 3/2 × x आ जाएगा। तो बच्चों ये बेस इस बेस के साथ कैंसिल, 9 = 3/2x आ गया। तो बच्चों ये x के साथ वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम। तो बच्चों जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, ये 3/2 है ना, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, = x। 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, सॉरी, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = x, 3 × 6 = x आ गया। तो बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये x की। तो बच्चों ये जो सी लॉग की जो सी बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। फिर हमने ये बेस सेम बनानी होती है, तो इसलिए हम, क्योंकि बेस बेस के साथ कैंसिल, फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। एक्स की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, और उसने जोज नंबर हमें 1 दे दिया, log(2x = 5। तो बच्चों ये लॉग फॉर्म है, हमने किसमें लिखेंगे, कुव्वत नमा में। किसमें, कुव्वत नमाई शक्ल में। बच्चों कुव्वत नमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे, ये जो सी लॉग की बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, 2^5। बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है, ये उनसी ये 2, ये जाके इस नंबर की क्या हो जाएगी, बेस, ये 5^5 में चला जाएगा। ये हमारे पास कौन सी बन गई, कुव्वत नमाई शक्ल। तो ये एक्स इसी तरह आ गया, 5 को 2 को 5 दफ़ा हमने 2^5 करना है, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16, 16 × 2 = 32। तो एक्स इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 32 के बराबर। ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 2 हमारे पास log बेस 81 नंबर 9 log x log 9 = x। तो बच्चों ये हमारे पास है लॉग फॉर्म, हमने किस में लिखना है, सबसे पहले कुव्वत नमाई शक्ल में। कुव्वत नमाई शक्ल वो कैसे बनाएंगे, कुव्वत नमाई शक्ल, बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है ना, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, 81 की पावर, ऊपर ये x पावर में चला जाएगा। ये जो सी लॉग की बेस है, वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, और ये जो उनसी रकम है, ये पावर में चली जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 3^4, क्योंकि बच्चों 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 3 × 3 = 9, 9 * 27 = 21। तो बच्चों ये क्या बनता है, यहाँ पर 81, 1, 2, 3, 4, तो मैं 3^4 लिख दूंगा, ऊपर ये वाला एक्स इसी तरह। तो ये 3^2 = बेस की पावर, होल की पावर, आपस में ज़रब, 4 को x के साथ ज़रब करेंगे, 4x आ गया, बेस बेस के साथ कैंसिल, 2 = 4x। बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, तकसीम, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 1/2 आ गई मेरे पास x की वैल्यू। तो बच्चों ये मेरे पास जोज नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 3 है, log(8) = x/2। बच्चों x/2, तो बच्चों से समझना है, बच्चों ये लॉग फॉर्म है, हमने किस में लिखना है, सबसे पहले कुव्वत नमाई शक्ल में। तो कैसे बनाएंगे कुव्वत नमाई शक्ल, बच्चों ये जो सी इस लॉग की जो सी ये बेस है ना, ये इस नंबर की बेस बन जाएगी, 8 इसी तरह आ गया मसावी, इस नंबर की बेस बनानी है, इस चौंठ को, 64 की पावर x/2 बन गई। बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है, ये इस नंबर की बेस हो जाएगी, तो ये बेस बन गई, ये पावर में चला गया नंबर, ये 8 आ जाएगा, लॉग खत्म, फिनिश हो गया। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 2^3, क्योंकि बच्चों 2^3 का मतलब क्या है, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 आता है हमारा। इसी तरह बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2^
चोंट की क्या फैक्टर बनेंगे, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुना 32, 32 दुना 64, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगी 2 की पावर 6, ऊपर आ गया x/2। इसकी बेस भी 2 बना ली, इस रकम की भी बेस 2 बना ली। तो बच्चों ये मेरे पास 2 की पावर 3 आ गया, 2 एकम 2 2 3 6 3 आ गया। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों ये 2 की पावर 2 एकम 2 2 3 6 3 आ गया, 2 की पावर 3 ऊपर आ गया x। तो बच्चों ये 2 की पावर 3, ये 2 की बेस की पावर है, ये होल की पावर है, ज़रब 3x आ गया। 3 को x के साथ ज़रब करेंगे, 3x बेस बेस के साथ कैंसल, 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू x, 3x बच गया बेस बेस के साथ कैंसिल। बच्चों ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, तकसीम, 3 3 के साथ कैंसिल, 1 आ गई मेरे पास x की वैल्यू, x की कीमत 1 आ गई। बच्चों ये जोज नंबर 3 था, इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। बच्चों जोज नंबर क्या मेरे पास 4 है, लॉग बेस x है 64 इज़ इक्वल टू 2। बच्चों ये लॉग फॉर्म है, हमने इसको किस में लिखना है, कुव्वत नमा में, कुव्वत नमाई शक्ल में, किस में लिखना है, कुव्वत नमाई शक्ल में। तो बच्चों कुव्वत नमाई शक्ल कैसे बनाएंगे, बच्चों ये जो सी ये लॉग की बेस है ना, ये वाला एक्स, ये जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 इज़ इक्वल टू 2 एक्स की पावर 2। बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। तो ये जो सा नंबर है ये कुव्वत नमा में चला जाएगा पावर के अंदर। तो बच्चों हमने स्केयर ये एक्स के ऊपर ये स्केयर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र, इस तरफ भी जज़र और इस तरफ भी जज़र, मरबा जज़र कैंसल। अब चोंट का जज़र किसका बराबर आएगा, प्लस माइनस का 8 इज़ इक्वल टू x आ गया। बच्चों ये मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स की, मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा, 64 का जब आप जज़र लोगे तो प्लस माइनस का 8 आ जाएगा। ये था मेरे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 5 करेंगे, जोज़ नंबर 5 है बच्चों मेरे पास, लॉग की बेस 3 है, x इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास है लॉग फॉर्म, हमने इसको लिखना है कुव्वत नमा की शक्ल में। तो बच्चों क्या लिखेंगे, कुव्वत नमाई शक्ल में। तो बच्चों कैसे लिखेंगे कुव्वत नमाई शक्ल, ये जो सी लॉग की बेस है ना, ये उनसी ये 3, ये जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4। बच्चों ये जो इस लॉग की बेस है वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। इस नंबर की जब बेस की बात करेंगे तो ये नंबर कुव्वत नमा बनेगा, ये 4 कुव्वत नमा बन गया और ये 3 बेस बन गई। तो हमारी ये किस में चला गया सवाल है, कुव्वत नमाई शक्ल में। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया, अब 3 की पावर हमने 4 लेनी है क्योंकि x की कीमत निकालनी है, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 3 3 9, 9 तिया 27 27 तिया 81, एक्स की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 81 के बराबर। ये था बच्चों सवाल नंबर 6, जो कि हमने यहाँ पर x की कीमत निकालनी थी। तो बच्चों आप लोगों को मैं फिर ये रिपीट करवाने लगा हूँ, बच्चों ये लॉग के साथ जो उनकी बेस होती है वो जाके इस नंबर की क्या हो जाएगी, बेस। तो ये बेस बन जाएगी, ये एक्स कुव्वत नमा और लॉग क्या हो जाएगा, फिनिश। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी क्या होगी, फिनिश होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दो में ज़रूर याद रखना।